हेलो एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वॉर्म वेलकम इन दिस सेशन मैं सतेंद्र तिवारी आप सभी का करता हूँ स्वागत आई बी पी एस क्लर्क मॉक टेस्ट वन के इस डिस्कशन में आई uh, होप मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुँच रही होगी ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है मेले क्षितिज रिंकी प्रणय आयुष स्वाति अनामिका एक बार आप कन्फर्म कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में गुड इवनिंग सभी को सभी का स्वागत है ऑल ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड आपको जैसा का ये आपको पहले से ज्ञात है और पता है कि आपका एग्ज़ाम इस सैटरडे और संडे होने वाला है तो ये फाइव डेज जो है हमारे इस वीक के मंडे से लेके फ्राइडे तक हम आपके साथ मॉक डिस्कशन कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के जो टेस्ट हैं मॉक टेस्ट हैं और उनका डिस्कशन है वो आपने देख लिया होगा अब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की टेस्ट से पहले कुछ बातें जो हमें पेपर्स में भी ध्यान में रखनी है और इस टेस्ट में भी ध्यान में रखना है वो ये कि जब भी आपके पास पेपर मिलता है एग्ज़ाम के अंदर तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम छोटी छोटी क्या गलतियां करते हैं जो गलतियां आप यहां भी कर सकते हैं तो एक बार थोड़ा सा एक मिनट में समय लूंगा और स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लूं जैसा कि आपको पता है कि प्री के पेपर में हमारे पास इन थर्टी क्वेश्चन के लिए होते हैं ट्वेंटी मिनट्स तो इसका मतलब कि टाइम बड़ा कम है हमारे पास उसी बीस मिनट के अंदर हमें अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है और अगेन अगर आप कट ऑफ स्कोर को देखें तो वो करीब करीब दस नंबर के ही आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है यानी बहुत सारे लोग जो है अगर मैं इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करूं तो कई बार आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते बिकॉज आपका अप्रोच गलत है जबकि वहीं पे वो भी विद्यार्थी होते हैं जो कट ऑफ से भी दस नंबर पंद्रह नंबर अठारह नंबर ऊपर लेके आते हैं अगर मैं एक सब्जेक्ट की भी बात करूँ तो ये डिपेंड करता है उस स्ट्रेटजी पे कि कैसे वो 20 मिनट आप यूटिलाइज कर रहे हैं एग्जाम्स के दौरान तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब हमारे पास पेपर हो तो हम एक बार क्विक स्कैनिंग जरूर कर लें क्वेश्चन टाइप्स की जो कि आपके सेट में आपको मिले बिकॉज आपको पता है कि बैंक एग्जाम्स के अंदर कोई फिक्स सी चीज नहीं होती कि अच्छा इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा राइट right? कोई नई चीज भी आ सकती है उसके अंदर डायरेक्शन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है तो हमें सबसे पहले काम ये करना है एक मैनेजर वाला दिमाग लगाते हुए कि जो अपना टाइम और इंटेलिजेंस उन जगहों पे लगाता है जहां से वो बेस्ट रिटर्न ले सके तो वही काम आपको भी यहां पे करना होता है कि फटाफट क्वेश्चंस को स्कैन करें देखें उन थर्टी क्वेश्चंस में से वे कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कम समय में आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं मतलब नंबर तो सभी का सेम है वेटेज सेम है बट वो क्वेश्चन जो कम टाइम के इन्वेस्टमेंट पे बेहतर रिटर्न दे दे ये नहीं कि जैसे ही पेपर मिला पेपर के प्रेशर में आ गए और पहले क्वेश्चन से लेके सभी क्वेश्चन को बराबर इज्जत दिए जा रहे हैं आप एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन ईजी भी होते हैं मॉडरेट भी होते हैं डिफिकल्ट भी होते हैं वेरी डिफिकल्ट भी होते हैं और हमारे सेट में उनकी शफलिंग इधर उधर हो सकती है तो स्कैन करके सबसे पहले वही काम हमें करना है कि भाई जो इजी क्वेश्चंस हैं कम समय लें उन पे उनको सॉल्व करके अपना नंबर कम से कम सुरक्षित कर लें और बहुत प्यार से आप 50 परसेंट स्कोर एक एवरेज बच्चा भी बहुत आसानी से स्कोर कर सकता है जो भी थोड़े समय के साथ आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको तरीके पता हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने प्रैक्टिस की है तो आपका स्कोर काफी अच्छा आ सकता है ठीक है तो आइए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर वन जो आपको कहा वही काम सबसे पहले करेंगे एक बार क्वेश्चन को स्कैन कर लें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर हाईलाइटेड विच मे आर मे नॉ बी इन दर प्रॉपर प्लेस रिक्वायर टू इंटरचेंज देर टू मेक इट बोर्ड ग्रामिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट यानी यहां पे जो क्वेश्चन आपके पास है सबसे पहले वो जुड़ा हुआ है किसके साथ वर्ड स्वैपिंग के साथ इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट सेलेक्ट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड अब आई बी एस क्लर्क का पेपर है उस हिसाब से ही पेपर डिजाइन किया गया है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे अब देखिए ये पांच क्वेश्चन हैं आपको ये देखना है कि जो शब्द बोल्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे रेड कलर में उनकी प्लेसमेंट सही है या नहीं और अगर सही है तो आपको फिर नो रिप्लेसमेंट की जरूरत है और अगर आपको लगता है चेंज करना है तो हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली स्कोरिंग क्वेश्चन है पांच नंबर आप बहुत प्यार से दो मिनट के अंदर अंदर कमा सकते हैं अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन टाइप है थोड़े डायरेक्शन लंबे लंबे से होते हैं तो उसकी आदत भी डालनी होती है साइकी में बात छोटी होती है बट पढ़ना जरूरी है यहां पे आपके पास फिलर्स के क्वेश्चन है सिंपल शब्दों में डबल फिलर्स दिए हैं बट इनका लेवल जो है वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है आप सिंपली ग्रामेटिकल कॉलोकेशन के मेथड से यानी ब्लैंक प्लेस खुद आपको बयां करता है कि उसे चाहिए क्या राइट right? ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड चाहिए नाउन चाहिए एडजेक्टिव चाहिए एडवर्ब चाहिए तो उस हिसाब से भी आप बहुत आसानी से कर लोगे तो यह भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन टाइप है ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन जैसे कि मैं बैचेस के अंदर भी करियर विल पे जो बैंक के बैचेस आते हैं वहां जब आप पढ़ते हैं वहां भी आपको ये बात बताता हूँ कि बैंक के अंदर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछने के तरीके कई तरह से हो सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं यू आर क्लियर विद योर पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्ञान थिंग राइट तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे कहीं कोई मुश्किल नहीं आती यहां पे वो यूजुअल एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जैसे कि आपको एसएससी में देखने को मिलता है वैसा भी मिल सकता है बट उसके अलावा भी कई तरीके होते हैं उन्हीं में से एक तरीका ये है यहां पर आपके पास पांच सेंटेंसेस दिए हुए अमोंग विच वन ऑफ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट तो इसमें से एक जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसी को आपने चूज करना है राइट right? विच इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट यानी इन पांच सेंटेंसेज में से चार में कोई ना कोई गलतियां हैं और जो करेक्ट है जिसमें कोई बेर नहीं है वही करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गए हमारे पास एक बार ओवरव्यू जरूर होना चाहिए फिर आप देखें तो ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है इसका मतलब क्या कि इन छह सेंटेंसेस को पढ़ के थोड़ा आपको एक दो एक से डेढ़ मिनट का अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आ, इनको पहले ऑर्डर में डालने के लिए और एक बार आपने ऑर्डर में डाल दिया तो फिर पांच नंबर आपके हो गए तो फिर वो भी बिल्कुल मुश्किल नहीं अगला जो क्वेश्चन टाइप है पैरास के बाद ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स यहां पर आप अगर आप देखें तो ये वर्ड की स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अभी जो पीछे पैटर्न में देखने को मिले हैं और यहां पे अलग तरीके से पूछा जाता है एस एस सी वाला अलग पैटर्न है यहां पे पैटर्न अलग है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं ये भी आपके पास स्कोरिंग क्वेश्चन टाइप है छह क्वेश्चन हैं ऐसे और फिर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कि भाई तीन सेंटेंसेस के टुकड़े अलग अलग कर दिए गए किन को तो सेंटेंस बन जाए तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन टाइमर लगा के देता हूं मैं आपको एक बार हमने ओवरव्यू कर लिया कहा से चाहते हो पहले क्वेश्चन से करें ना सॉल्व आइए टाइमर लगाता हूं एक टाइप के लिए आपको थर्टी सेकेंड देता हूं मैं वैसे कम समय में कर लेंगे आप फिर हम डिस्कशन करेंगे फाइव क्वेश्चन एक साथ आप सॉल्व करिए ये समय हम आगे धीरे धीरे कम करेंगे अगले टेस्ट में टाइम इज अप नाउ आइए इनको हम कहते हैं वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन जहां पे एग्जामिनर डेफिनेटली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उन्हीं को टेस्ट कर रहा है सो द एबेंडेंड इंप्लाइज वेकन बाई द मिस क्रियंट्स इन एन ऑपरेशनल व्हीकल बिलोंगिंग टू ओ लेटर द वेकल वॉज फाउंड एबडप्टेड नियर द निमोनगढ़ जंगल्स क्लोज टू आसाम नागालैंड बॉर्डर तो आपको ये बात तो समझ आ रही है कि बाई द मिस ये बिल्कुल ठीक है शरारती तत्वों के द्वारा यह काम किया गया और बॉर्डर की प्लेसमेंट भी आपको बिल्कुल सही लग रही है आसाम नागालैंड बॉर्डर यहां पे बिल्कुल ठीक है लेकिन एम्प्लाईज को आप एबडक्ट करोगे उनका अपहरण होगा और उनको एबंडंड यानी ऐसे ही अपहरण करने के बाद फिर उनको फेंक दिया गया कहीं उनको परित्यक्त कर दिया गया एबंडंड सो एबंडंड यहां पर आएगा यानी ए और सी की जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी है यानी ए को आप सी से रिप्लेस करेंगे सी को ए से द यानी जिनका abduction हुआ है जिनका अपहरण हुआ था वर टेकन बाई ऑपरेशनल व्हीकल बिलोंग टू एनजीसी वहीकल व्हीकल को एबंधन हालात में पाया गया जैसे कहते हैं ना कि भाई वो गाड़ी यहां पे पाई गई तो वो केस है यहां पे नियर द निमोनगढ़ तो कोई मुश्किल नहीं आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रगलिंग टू ट्रैक क्लोज टू फोर्टी फाइव हंड्रेड एक्टिव कोविड नाइनटीन पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन

अगला क्वेश्चन द पीएमसी हैज रिसीव्ड कंप्लेंट्स दैट सम पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन आर वायलेटिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड मूविंग अराउंड इन पब्लिक द ऑफिसर सेड दिस वाज हैपनिंग डिस्पाइट द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पुटिंग स्टैम्प्स ऑन देयर रिस्ट एंड पुटिंग स्टिकर्स ऑन द एंट्री टू देयर होम्स अगेन कोई आपको यहां पर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं लग रही राइट कंप्लेन को रिसीव किया है कि कुछ पेशेंट जो हैं होम आइसोलेशन के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं वायलेशन कर रहे हैं एंड मूविंग अराउंड इन पब्लिक दऑफिसर सेड दिस डिस्पाइट द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पुटिंग स्टैम्प्स ऑन देयर रिस्ट एंड पुटिंग स्टिकर्स ऑन द एंट्री टू देर होम्स नो रिप्लेसमेंट हैज कोविड नाइनटीन केसेज कंटिन्यू टू राइज फॉलोइंग एन अदर हाई लेवल ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड केसेज ऑन ट्यूजडे एंड द गुजरात

अब आप अगर ऑप्शन में देखो तो बी और सी के साथ साथ ए डी भी दिया हुआ है और यहां पर क्वेश्चन कम समय में कैसे सॉल्व होता है वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप अगर आपकी आंखों ने वो देख लिया तो भाई बी सी अकेले तो है नहीं तो ए डी भी है और आपको वो दिख भी रहा है कि डी को ए से ए को डी से यानी हिटिंग एन अदर हाई ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड केसेस तो एक नया केस हिट किया मतलब एक लेवल पहुंचा एंड फॉलोइंग अ कोर कमिटी मीटिंग यानी एक कोर कमेटी की मीटिंग के बाद क्या हुआ तो इस आधार पे आपको पता है कि सी करेक्ट ऑप्शन है एंड लास्ट वन द डिसंगेज फॉर तो यहां से पढ़ते ही आपको थोड़ा सा गले में फंसेगा बिकॉजेज इज लगा हुआ है हमें नाउन की यहां पे जरूरत है राइट right. तो ए को किससे रिप्लेस किया जा रहा है आप खुद देख लीजिए हमारे पास बी है ए बी क्योंकि यहां पे दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है सो द प्रायोरिटी फॉर द यूएस इज दैट इट कैन नॉट फॉर अफगानिस्तान

और आप अपना स्कोर कार्ड बता सकते हैं हाँ जी फाइव में कितने हैं फाइव आउट ऑफ फाइव थर्टी सेकेंड वोर इवन दो क्वेश्चन में आपने देखा कि पढ़ते ही आपको समझ आएगा किसी चेंज की कोई जरूरत नहीं थी तो ये क्वेश्चन टाइप थोड़े से नए हो सकते हैं इनको हम वर्ड स्वैप कहते हैं बट बहुत ईजी है आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं फिर भी चार 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 तीन चार प्रिया पांच रिंकी चार काजल चार स्वाति के ऑल करेक्ट शरद के चार आयुष के दो िस शुड नॉट बी द केस एनी आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ अब आ जाओ आते हैं फिलर्स पे ठीक है फिलर्स का पहला क्वेश्चन डबल फिलर्स के क्वेश्चन है अगेन आपको देता हूं मैं थर्टी सेकेंड आई विल नॉट डिस्टर्ब यू आप अपना समय लीजिए ढाई मिनट का इन पांच क्वेश्चंस के लिए देख रहे हैं अच्छा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना तो लाइक like भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं लाइक like करने से थोड़ा अट्रैक्शन और बढ़ता है चलिए योर टाइम इज अप नाउ लेट्स हैव द डिस्कशन सो द पार्टी इन द स्टेट एंड द नेशनल पार्टी डिड नॉट अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग लीडिंग टू द मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल आपको हुई होगी यहां पे द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट यानी राज्य में जो सरकार शासन में है और जो नेशनल पार्टी है डिड नॉट अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग यानी वो एक पॉइंट पे नहीं आ सके उनके बीच में समझौता नहीं हो सका और जब समझौता नहीं होगा तो आप किस तरफ लीड करोगे डेड लॉक वाली सिचुएशन की तरफ क्योंकि दोनों पार्टी जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है सो so, अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव पार्टी सीटिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल इनका कोई लेना देना नहीं है मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अगेन आप यहां पे देखें तो पार्टिसिपेट इज वॉट दिस इज वर्ब ऑफर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है या इसको नाउन भी कह सकते हो डेफिनेटली बट यहां पे लीडिंग टू द ऑफर्स की तो बात ही नहीं है अगर अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचेगा नहीं तो ऑफर्स क्यों एक दूसरे को मिलेगा अलाइड जो है आपको दिख ही रहा है दिस इज वर् आपकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पर भी कर सकते हैं अलाइड फोर्सेज जैसे आपने पढ़ा हुआ है एंड डेड लॉक इज द ओनली नाउन ओवर हियर जो कि कॉन्टेक्सट के अकॉर्डिंग और ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअल दोनों आधार पर बिल्कुल सही ऑप्शन है Those aged above 80 and those farcasting uh, postal ballots should fill up a 12D form when officials visit their residences. And those farcasting postal ballots. तो अब यहाँ पे eligibility देखो शब्द जो है वो आपका noun है ये बाहर हो गया, right? Those engaged for casting नहीं होता, आप eligible for farcasting. तो ये दोनों मतलब कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देखो double filler में कहानी क्या होती है? हो सकता है फर्स्ट ब्लैंक का पहला सही है वर्ड दूसरा सही नहीं है दूसरे ब्लैंक का पहला गलत है दूसरा सही है तीसरे का दोनों सही है और चौथे का चौथे ऑप्शन के बोथ द वर्ड्स आर इनकरेक्ट सो वॉट यू आर सपोज टू डू यू हैव टू वे बोथ द हैोदर्ड फॉर बोथ द ब्लैंक प्लेसेस इस बात का ध्यान हमें रखना है कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लीजिए कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऑप्शन का पहला वर्ड पहले ब्लैंक में सूटेबल है तो दूसरा तो सूटेबल होगा ही यू हैव टू वे बोथ द ऑप्शन चॉइसेस कई बार आपके साथ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि भाई पहले वर्ड के लिए तीन ऑप्शन के पहले वर्ड सूटेबल हैं एंड इन दो केसेस उन्हीं ऑप्शन के जो सेकेंड वर्ड्स हैं वो आपको करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने में मदद करते हैं एलिमिनेशन में मदद करते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे अब देखो यहाँ पे कंसेंट का लामा कुछ और नहीं आ सकता कंसेंट फॉर्म उनकी आप अनुमति लोगे ना तो क्लैरिटी ना कॉन्ट्रोडिक्शन ना ये कंसेप्चुअल किसी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है इड वॉकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड नाइनटीन वैक्सीन हैव गुड रिस्पॉन्स सीनियर सिटीजन तो अब देखो ग्रामेटिकली आपको कोई मदद नहीं मिल रही बिकॉज बोध द वर्ड आर लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ अक्वायर्ड एंड गेंड और अगेन अगर अक्वायर्ड और गेंड की बात करोगे तो दोनों का मतलब कुछ मिलना होता है ठीक है तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है थोड़ी वोकैबलरी की समझ चाहिए होती है हमें तो ऑन साइड वॉकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड नाइनटीन वैक्सीन हैव गेंड अब देखो गेंद के साथ दो ऑप्शन और अक्वायड के साथ एक ऑप्शन है यहां सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है तो बिटवीन बिल्कुल नहीं होगा अगर आपको अक्वायर की फीलिंग आ रही है तो ओवर भी नहीं होगा विद इन भी नहीं होगा राइट तो ये पेपर कई बार आपको मदद कर रहा होता है वो खुद जवाब आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है हमें वो कैच करना होता है कि मान लो अगर मैं अक्वायर और गेन में कंफ्यूज हो रहा हूं तो मुझे ये तो पता है कि विद इन सीनियर सिटीजन तो नहीं होता ना भाई विद इन अ वीक विद इन अ मंथ एक टाइम फ्रेम के लिए आप उसकी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए विदिन भी नहीं आएगा और ओवर भी नहीं आएगा अब च्वाइस बचती है सिर्फ गेंद और गेंड में भी आपको मदद पहुंचाई जा रही है कि अमोंग या बिटवीन तो हम एक जनरलाइज सेंस में बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स हम वहां बिटवीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसीलिए आपको किसके साथ जाना होगा अमोंग के साथ वैसे गेन और अक्वायर uh, में फर्क ये होता है कि गेन जो है ना वो थोड़ा एफर्टलेस तरीके से आपको मिलती है और अक्वायर uh, कोई चीज आप एफर्ट डाल के करते हैं मिल तो दोनों में रहा है और अगेन गेन का इस्तेमाल आप काफी सारा मतलब जो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनके साथ भी कर सकते हो Acquire का जनरली इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ नहीं होता तो ये थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस है इन शब्दों में बट अगर मान लो इस लेवल का आपको नहीं भी हो, फिर भी फिर ऑप्शन हमें एलिमिनेट करने में मदद कर रहे हैं नेक्स्ट देर आर वेज इन विच होम कैन बी रिड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट वेज लिखा हुआ है प्लूरल नाउन है इसका मतलब इसके पहले आने वाला एडजेक्टिव जो है वो उसकी तरफ इशारा करेगा तो मेनी फ्यू मच और लिटिल तो अगर आप लिटिल और मच की बात करो तो ये तो दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं लिटिल और मच दोनों क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं किसी भी चीज की जैसे अगर आप ये कहें कि आई हैव लिटिल मनी मीन यू डू नॉट हैव एनी मनी आपके पास नहीं है वैसे या आई डोंट हैव मच टाइम सो टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन उसके पहले मच लगेगा तो मच और लिटिल अनकाउंटेबल के पहले लगता है यहां वेज आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है यानी जो एडजेक्टिव चाहिए वो ऐसा चाहिए जो काउंटेबल नाउन से पहले लगे अब मेनी का मतलब बहुत सारे होते हैं और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर राइट right? तो ना के बराबर तो देर आर फ्यू वे विच वर्डेंड एट होम कैन बी रिड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट वुमेन्स बर्डेंड एंड वुमेन्स बर्डन तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पे अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है इसका मतलब यहां पे जरूरत है हमें नाउन की तो यहां बी आएगा क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये शंका पैदा हो सकती है कि भाई सिर्फ फ्यू भी तो काउंटेबल है ना के बराबर राइट right? और मेनी का मतलब बहुत सारे सो बोथ द वर्ड्स कैन बी यूज ग्रामेटिकली बट वेन यू गो बाई द कॉन्टेक्सट एंड जब आप सेकेंड वर्ड देखते हैं तो आपको पता है कि वेमेन्स के बाद हमें जरूरत है एक नाउन की तो वेमेन्स बर्डन तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा महिलाओं का जो बर्डन है घर के घर में वो रिड्यूस किया जाता है रिड्यूस किया जा सकता है सरकार के द्वारा सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन एंड नाउ Challenges linked to election come in many shapes and sizes. Some can be, most are hard to So challenges linked to elections come in many shapes and sizes. Some can be, most are hard too. अब आपको ये बताइए कि hard too के बाद यहाँ पे B1 चाहिए और can be यहाँ पे लिखा हो तो definitely यहाँ पे B3 चाहिए. तो अगर आप grammatically देखोगे तो सारे के सारे benefited, promoted, expected, anticipated सब के सब B3 हैं. यहां पे देखो तो इंटेल इंट्रोड्यूस सेट डिल्यूजन अब ग्रामेटिकली आप इन दोनों को बाहर कर लोगे मान लो कोई कंफ्यूज हो रहा है यार प्रमोटेड प्रमोटेड भी तो promoted लग रहा है मतलब थोड़ा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको दिग्गज टू के बाद यहां वी चाहिए और डिल्यूजन एक नाउन है और सेट जो है ये वी टू है तो इनकी कहानी वैसे ही खत्म हो गई अब एक्सपेक्टेड और एंटीसिपेटेड अब ये ऐसे भी वर्ड हैं अगेन दोनों थोड़े जो कंफ्यूजन है किसी को अगर कुछ एक्सपेक्टेशन है आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उम्मीद की बात होती है कि अच्छा मैं ये आशा करता हूं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा यहां पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज हार्ड टू इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होगा यहां पे आपको समझ आ रहा है कि यहां पे हार्ड टू टेल होगा जो चैलेंजेस लिंक्ड हैं इलेक्शन के साथ वो बहुत तरह के शेप्स और साइजेस में आते हैं कुछ को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं एंड मोस्ट आर हार्ड टू टेल तो देखो एंटीसिपेट करने का मतलब ये होता है ना कि वो चीज हो सकती है उसकी प्रॉबेबिलिटी है एंड यू आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि भाई ये ये घटना घट गट सकती है इलेक्शन होने वाला हमें पता है तो उस तरह की चीजों को हम एंटिसिपेशन कहते हैं बट एक्सपेक्टेशन में ठीक है आपको उम्मीद है आप होप करते हैं कैसा होगा बट स्टिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि क्या होने वाला है तो एंटीसिपेशन में एक उम्मीद होती है और थोड़ा आइडिया भी आपको होता है सो दैट्स द डिफरेंस बट एनी वे यहां पर जरूरत नहीं थी इतने गहराई वाले डिफरेंस के ज्ञान की सिर्फ इसी बेसिस पे आप कर सकते थे स्कोर कार्ड बताइए प्लीज अपना फाइव आउट ऑफ फाइव कितने जो भी हैं अपने स्कोर कार्ड को ट्रैक करते रहिए किसी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लीजिएगा अब आ जाइए ग्रामर का ज्ञान अप्लाई करिए फटाफट पूरी जिंदगी अंग्रेजी के नाम पे ग्रामर पढ़ते हैं हम आइए टेस्ट करते हैं ऑल करेक्ट है बहुत अच्छे चलिए मैं देख पा रहा हूं सभी के स्कोर कार्ड समय बिल्कुल खराब नहीं करते टाइमर लगाता हूं यहां पे ये यह सिर्फ आपसे पूछने के पीछे पर्पस यही है डेफिनेटली मैं यहां पे कोई आपको यू you नो know, मिठाई तो नहीं बांट रहा अच्छा किसके क्या कार्ड क्या स्कोर आया हुआ है आ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये सिर्फ आपके लिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए पांच सेंटेंस में से आपने वो चूज़ करना है जो करेक्ट है जिसमें कोई एरर नहीं है थर्टी सेकेंड यहां पे दूंगा आपको आइए तो शुरू करते हैं डिस्कशन इन पांच क्वेश्चंस का और एक छोटी सी बात मैं और भी यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल द थर्टी क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले आपसे बात कही है सेशन के शुरू में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला काम सेलेक्शन ऑफ डूएबल क्वेश्चन अब जैसे अभी हम इसके बाद ना पैराजम्बल पे सीधा हाथ नहीं डालेंगे क्यों नहीं डालेंगे बिकॉज वहां पे ऑप्शंस नहीं है वहां ऑप्शंस नहीं है हमारे पास हमें पढ़ करके उनको ऑर्डर में डालना पड़ेगा थोड़ा दिमाग ज्यादा खपाना पड़ेगा लेकिन आपको पहले से पता है कि इन 15 क्वेश्चंस के बाद जो हमारा क्वेश्चन है 21 से छह क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्पेलिंग एरर पे हैं वो स्पेलिंग एरर पे हैं तो डेफिनेटली वो स्कोरिंग टॉपिक वो स्कोरिंग है छह क्वेश्चन है पेपर के प्रेशर में चार भी निकाल लेगा सही टाइम कम है क्योंकि बीस मिनट में तीस क्वेश्चन करने तो भी आपकी बात बन गई लेकिन वहां पे शायद दो मिनट में चार नंबर आप आसानी से बना सकते हो पैराजल में दो मिनट के अंदर शायद आप ऑर्डर भी ना बना पाओ अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी नहीं है हर चीज में देखो आपकी तैयारी डिपेंड करती है मैं तो क्योंकि एग्जाम का लास्ट वीक है इसलिए यहां पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं जो बैचेस में पढ़ते हैं वो आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे होते हो बट जो भी देख रहा है यहां पर इस बात का ध्यान आपको रखना है पेपर में स्मार्टनेस के साथ हमें डील करना है चलो यहां पे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं देखते हैं कितने एरर्स आप पकड़ पा रहे हो scientists believe that the cow is the only animal which both inhales and exhales oxygen फटाफट सब्जेक्ट वर्ब सब फटाफट देख लिया करो साइंटिस्ट प्लुरल है बिलीव बिल्कुल ठीक है द काउ इज द ओनली एनिमल व्हिच व्हिच का इस्तेमाल काऊ के साथ इज नॉट करेक्ट आपको पता है यहां दैट जो है वो लगेगा व्हिच का इस्तेमाल इन जनरल रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हम किसके साथ कर रहे होते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ कर रहे होते हैं और और दैट के बीच का डिफरेंस के बड़े सारे पैरामीटर है जो आप पढ़ते भी हो प्रोनाउन चैप्टर के अंदर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि दैट के बाद आप जो भी कुछ लिखते हैं दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड क्लॉज एंड यू राइट आफ्टर नॉन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो कई बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच वाला क्लॉज दे रहा होता है और ऐसे में विच के साथ कॉमा भी लगा होता है दैट के बाद जनरली आप क्लॉजेस लिखते हैं एनी वे देर वर फूड शॉर्टेजेस एंड अदर डेप्रीवेशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर

कई बार आप स्टेशन पे देखते होगे ना बड़ा बड़ा पेंट करके लिखा होता है एवं परित्यक्त जिसको छोड़ दिया गया वो फंक्शनल नहीं है अनलेस 1951 इतना पढ़ते ही आप रुक जाओगे टाइमिंग की बात है आपको पता है अंटिल होगा जहां कंडीशन का मामला आता है वहां हम अनलेस लगाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया बी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वन वुड श्योर मार्वल इतना पढ़ते ही आप रुकोगे मार्वल जो शब्द है अगर हम बात करें तो यह नाउन भी होता है वर्ब भी होता है और वर्ब के तौर पर ही यहां पर इस्तेमाल हो रहा है नाउन के तौर पर तो हो नहीं रहा तो वुड लगा हुआ है मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी चीज पे तो यहां वहीं से बोलते ना मॉर्वल शब्द यहीं से आ रहा होता है एनी anyway, वे तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है एड वर्ब यहां श्योरली का इस्तेमाल होगा सो दिस वन इज इन करेक्ट एग्जिस्टिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कांट सस्टेनेबल यहीं पे आप रुक जाएंगे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बिकॉज सस्टेनेबल लेवल लगा हुआ है सफिक्स एक एडजेक्टिव है यही यहां पे नहीं होता तो सेंटेंस करेक्ट होता कांट सस्टेन करेक्ट होगा सस्टेन इज वर्ब सॉज एन से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब गायब है डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल क्वेर आर इसल फॉर रोबर्ट साइबर सिक्योरिटी पोस्टर दिस सेंटेंस इज एबसोल्यूटली फाइन डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी इज फेज नंबर वन Phrase one है ये institutional coherence ये दूसरा फ्रेज है ए और बी एंड के साथ जोड़ रहे हो आर लगेगा प्लूरल ठीक है इतने पे ही रुक जाओगे दो एक्सप्रेशन है ना एंड के साथ जुड़े हैं दो फ्रेजेस तो आप हैज कैसे लगाओगे यहां करेक्ट तो है यहां पे कौन सा था हाँ डी फॉर डेली जो है ये करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है फियर ऑफ इन्फेक्शन कीप्स रेजिडेंट्स इन साइड देयर होम्स कोई प्रॉब्लम नहीं फियर ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं फियर सिंगुलर एब्सट्रैक्ट नाउन डेफिनेटली उसके साथ वर्ब में एस एस लगेगा रेजिडेंट्स के लिए देर लगा हुआ है सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है कोई प्रॉब्लम नहीं द गवमेंट इंटेंट टू ऑफ लोड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड बैंक रिजल्टिंग इन द लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ पब्लिक वेल्थ इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है अगेन गवर्नमेंट इंटेंट टू आप अगर आप इसको पूरे के पूरे नाउन फ्रेज के तौर पर देखो कि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो भाई ये वर्ब है और रिजल्टिंग आपको बताया वी एन प्लस आई एनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आप लगा नहीं सकते ठीक है सो अदरवाइज अगर मान लो यहां पे इंटेंट वर्ब होता तो गवर्नमेंट के साथ आपको इंटेंट्स करना पड़ता वीवन में एस सी एस लगाना पड़ता जो केस अगेन यहां पे नहीं है बट हमें पेपर में कम समय में अगर हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर हों या एक से ज्यादा संभावनाएं भी हों बिकॉज वन आइडिया कैन बी सेट कैन बी रिटर्न कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू सो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें जब आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है एरर एरर को आइडेंटिफाई करो तो वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है बट करेक्शन कैन बी डन इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड हियर एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग द वेज ऑफ करेक्शन इज सिंपली आस्किंग कि आप ये बताओ एरर कहां पे है या किन में एरर है एक एरर भी है तो काम हो गया आपका गवर्नमेंट के साथ आपको बताया प्रिसाइडेड ओवर लग रहा होता है ये फिक्स कॉलोकेशन है प्रिसाइड का मतलब अध्यक्षता करना होता है किसी चीज को मतलब आप उसको हेड कर रहे हैं और उसी प्रिसाइड वर्ब से प्रेसिडेंट अध्यक्ष आता है अनरिजोल्व क्वेश्चन होप्स ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन प्लान एक्सपर्ट फॉर unresolved questions पहला फ्रेज होप ऑफ फाइंडिंग लाइफ दूसरा फ्रेज ये सब्जेक्ट है इसने experts को दशकों तक इंट्री किया हुआ है यानी जो अनरिजॉल्व क्वेश्चन एंड होप ऑफ फाइंडिंग लाइफ है ऑन द प्लेनेट किसी खास प्लेनेट की बात हो रही हो सकता मंगल ग्रह की बात हो रही हो इस चीज ने इंट्रीग किया है तो हमें चाहिए था एक्टिव वॉयस में इन्होंने हाँ करके पैसिव दे दिया था वो प्रॉब्लम थी एंड मार्स हैजेज बीन डिपिक्शन लिखा हुआ है डिपिक्शन इज नाउन हैज बीन डिपिक्टेड अगेन पैसे की थर्ड चाहिए, ना कि नाउन चाहिए कि मार्स है बैकअप साइट फॉर ह्यूमैनिटी टू माइग्रेट कि भाई धरती पे कुछ हो गया तो वो बैकअप साइट है हम वही निकल लेंगे मार्स पे राइट right? तो ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है तो हैज ऑलवेज बीन डिपिक्टेड एक और लर्निंग एड वर्ब की भी यहां पर

में बी लिखा होता तो हम सोच सकते थे पहली बात तो longer आप कैसे कह सकते हो? Longer is comparative degree, and comparison के लिए इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट आईलैंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन आईलैंड एंड स्पेसिफाइंग द आईलैंड सो लॉन्गर कहने का यहां पर कोई मतलब नहीं है बिकॉज कंपेरिटिव डिग्री की बेसिक शर्त है कि भाई देर शुड बी टू एंटिटीज देन विल हैपन अदरवाइज देर इज नो कंपेरिजन सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर इज ए डेफिनेटली सी भी गलत था बी भी, भी चेक कर लो कहा प्रॉब्लम है सी बैक सभी को पता रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होता सुपरफर्स्ट एक्सप्रेशन का एरर री का मतलब बैक टर्न का मतलब मुड़ना रिटर्न का मतलब भी पीछे मुड़ना होता है एंड द बिल्डिंग वॉज मेड यूजिंग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नॉट कंस्ट्रक्टिंग टेक्निक्स एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द लास्ट वन इंटरनेट इज एन इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स भाई यहीं पर मामला फंस रहा है आप एक तो एन लगा रहे हो और फिर रिसोर्सेज लिख रहे हो ये प्रॉब्लम है इनऑर्डर टू टर्न दिजर्ट्स इंटू फर्टाइल एंडक्टिव लैंड इंजीनियर्स बिल्ट एन एट हंड्रेड माइल्स कैनाल यू डू नो कैनाल इज नाउन राइट टू माइल एट हंड्रेड माइल यह एडजेक्टिव फ्रेस का पार्ट हो गया एर इसमें भी है पुलिस विद समुएबल इन्फॉर्मेशन

टीम वर्क एट इट्स बेस्ट रिजल्ट लिखा हुआ है यहीं पे आप रुक जाओगे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है टीम वर्क सिंगुलर है सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसी जाना चाहिए यहाँ बी वन लिखा हुआ है साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस दिस पजल फॉर इयर्स सेंटेंस हैज नो प्रॉब्लम एट ऑल साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल फॉर इयर्स सालों से जो साइंटिस्ट हैं वो इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हां जी ग्रामर में क्या है स्कोर कार्ड बिहारी इज आस्किंग सर स का भी प्रैक्टिस करवाई है सर अच्छा किन किन लोगों को चाहिए यूट्यूब की भी अच्छा एक छोटी छोटा सा इंफॉर्मेशन और भी चाहिए जो लोग देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे तो कमेंट में लिख के बताइएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ने में समझने में होती है दिक्कत खासतौर से वो सेंटेंसेस व्हाट यू कम अक्रॉस इन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स आर्टिकल्स एंड यू डू नो जो आपके इंग्लिश के पेपर्स में पैसेज आते हैं चाहे वो आर में आए पैरासिम्बल्स क्लोज टेस्ट फिलर्स वो लाइन्स वो सेंटेंसेज उन्हीं से उठाए जाते हैं तो अगर आपको है दिक्कत तो आप ये कॉमेंट में लिखिए आई विल कम विद a सेशन वेर आई टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में इन अ डिटेल्ड मैनर जहाँ पे सारे ग्रामेटिकल प्रोफाइल के जो फंक्शनल आस्पेक्ट्स हैं वो अपने बैच में तो मैं डिस्कस करता ही हूँ वो आपको जरूर यहाँ पर भी एक बार मैं शेयर कर दूंगा सो so दैट कि आपको लंबे सेंटेंसेज को पढ़ने में दिक्कत ना हो बिकॉज वेन एवर बी टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन कम्स एट द लेटर स्टेज द फर्स्ट थिंग इज द रीडिंग एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स इन रीडिंग इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इफ यू डू नॉट नो वॉट आर फ्रेजेज वॉट आर क्लॉजेज विच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट विच वन इज इेलिवेंट आपके पढ़ने में दिक्कत होती है पंक्चुएशन का फंक्शन हमें कई बार नहीं पता होता समझ नहीं आता व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज वॉट इज इनडिपेंडेंट क्लॉज अगर डिपेंडेंट है देन वॉट काइंड ऑफ क्लॉज इज दिस नाउन एडजेक्टिव एड और आप देखिए तो सीजीएल के सिलेबस में भी उन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर साफ साफ लिखा हुआ है बिकॉज अगर सब कुछ ग्रामर पढ़ने के बाद भी वी आर नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इट्स अ बिग शेम यस आर नो सब कुछ पढ़ने के बाद भी ग्रामर बचपन से पढ़ रहे हैं बट स्टिल एक सेंटेंस को पहचानने में समझने में बोलने में ये सभी सभी दिक्कतें होती हैं लिखने में ये प्रॉब्लम आती है तो अगर आपकी डिमांड रहेगी देन आई विल डू अ सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल आइए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जैसे मैंने कहा कि एग्जाम के अंदर तीस में तीस सॉल्व नहीं करने हैं तो पहले उनको निपटाओ जहां से नंबर मिले इनको छोड़ो अभी इनको हम पच्चीस क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे समय बचेगा तब ये स्ट्रेटजी पेपर में भी अपनाना इसीलिए यहां भी अपना के बता रहा हूं आपको इधर आ जाओ फटाफट स्पेलिंग करनी है करेक्ट ये तो मुझे लगता है कि आप को बीस सेकेंड ही देना चाहिए चलो बीस बीस सेकेंड देता हूं एक क्वेश्चन के लिए बोल्ड में स्पेलिंग लिखिए साफ साफ नजर आ जाएगा इसके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे उसका लास्ट स्लाइड में उसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर दूंगा आ जाइए तो एग्जाम में अगर इसने लकी आप हो गए किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो उसका फायदा पूरा उठाना है डायरेक्शन में एक बार देख लो आप इन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन बिलो फोर वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड ए बी सी डी वन ऑफ दीज वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड माइट बी ईदर रॉन्गली स्पेल्ट आर इन अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द सेंटेंस दोनों बातें हैं रॉन्गली स्पेल्ट भी हो सकता है इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है फाइंड आउट द वर्ड दैट इज इन अप्रोप्रिएट आर रॉन्गली स्पेल्ट इफ एनी द नंबर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर तो यहां पे डेज अहेड ऑफ कांग्रेस एजिटेशन ऑन द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज फॉर्मर चीफ राहुल गांधी पता है दिख रहा है। यहाँ पे द ट्रिगर ऑफ प्रोटेस्ट मंथली प्रपोजल राइज सो दिगर ऑफ प्रोटेस्ट इन लेब गए यूजर टू राइज फंड तो यहां देखो स्पेलिंग तो करेक्ट है बट इनअप्रोप्रिएटली यूज है यहां पे रेज फंड आएगा बिकॉज रेज हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता transitive है है ये ट्रांजिटिव वर्ब राइज ऑब्जेक्ट नहीं लेता राइट right? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइक यू हैव रेज क्वेश्चन यू हैव रेज इश्यू आप हमेशा रेज किसी चीज को करते हो गवर्नमेंट हैज द प्राइसेज बट प्राइसेज आर राइजिंग राइट तो राइज ऑब्जेक्ट नहीं लेता रेज ऑब्जेक्ट लेता है तो यहां पे ये यह भी थोड़ी सी बात अब देखो ये जो टॉपिक है हमारा स्पेलिंग uh, एरर्स का ये एस में भी आता है बैंक में भी आता है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग नहीं है यहाँ पे थोड़ा कंटेक्चुअल यूसेज के बेसिस पे भी सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे ये uh, दिक्कत थी यानी इसके साथ जाएंगे आप द लॉन्गर ही लिसन टू हिज मास्टर द मोर ही बिकेम ही केम टू रियलाइज दैट हिज ओन स्पिरिट हैिट रस्टी ऑल आर करेक्ट यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है जितना ज्यादा उसने सुना अपने मास्टर को उतना ही उसको यह रियलाइजेशन हुआ कि उसकी जो खुद स्पिरिट है वो रस्टी हो चुकी है जंग लग चुका है उसमें वन रीजन वाई प्राइवेट आर एक्सपेंडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बूस्ट लाइबिलिटीज फ्रेंचाइज स्पेशली द लो कॉस्ट सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स आपको पता है अकाउंट में डबल सी होता है

फर्स्ट सेकेंड द मोनिटरी पॉलिसी कमेटी हैजेड फॉर अब इन तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है टेल और हेड की मैचिंग करनी पड़ती है अब देखो ये जो पार्ट है, है और जो इधर पार्ट है उनके हेड के साथ ही मैच करना है तभी तो जाएगा वो राइट right? तो उनका टेल और इनका हेड टी और एच इन्हीं की मैचिंग करनी होती है अब आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज वोटेड फॉर स्टेटस को इन द पॉलिसी रेट्स सो एज टू बूस्ट ग्रोथ इवन एज प्राइस राइज सो ए तो बिल्कुल दुरुस्त है कोई दिक्कत नहीं अब उसके साथ फिर क्या है कि भाई ए ई के साथ क्या कॉम्बिनेशन हैं देखो आप थोड़ा हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन टाइप थोड़ा समय भी दे देता हूं इसके लिए आर बी आई इज टू इशू न्यू कॉम्प्रीहसिट्स एंड फॉर कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट तो एक बात तो समझ आ गई कि ए ई -E और बी डी है तो ए -E अगर है तो ए डी नहीं होगा इसको देखने की जरूरत नहीं है राइट बी के साथ एफ जाएगा नहीं तो यह भी साफ हो गया ए बी डी राइट और फिर एक है आपके पास सी एफ द एम पी सीज रेस्ल इज दैट दफ्स सबस्टेंशियल वेज अमोंग होल सेल एंड रिटेल इंफ्लेशन पॉइंट टू सप्लाई साइड बॉटल नेक्स तो क्या ए बी डी एंड सी एफ ये दोनों आपको दिख रहा है फैसला कर लिया चलो अगले क्वेश्चन पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें देख लिया इसमें टाइमर लगाने से वो शायद आपको दिखने में दिक्कत आती रेशियो ऑफ द स्टेट डेट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्वाइस टू राइज टूल हाई ऑफ थर्टी सिक्सेंट दिसकिलोनॉमिक एक्टिविटी तो ए की जोड़ी एफ के साथ बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है अब इसका मतलब देखो ये सारे बाहर होलिए ए के साथ ईडी आ नहीं सकता एफ वहां इस्तेमाल हो गया तो ये भी करेक्ट नहीं होगा ठीक है और आपको देखना है तो सी के साथ ही देख लो कि इन इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स दैट लोअर स्टैम्प ड्यूटी विद अ स्लाइस वैल्यू एडिशन अक्रॉस तो आपको पता लग गया कि यह भी नहीं हो सकता तो अकेला क्या है ए एफ जो है वो यहां पर करेक्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन सेवी हैज कम आउट विद डिस्कशन पेपर ऑन रीक्लासिफाइंग प्रमोटर्स एज पब्लिक शेयर होल्डर इन सर्टन सर्कमस्टांसिस तो ए के साथ ई तो जा रहा है राइट right? क्योंकि प्रोमोटर्स के बाद प्रोमोटर आएगा नहीं ए के साथ डी आ नहीं सकता एंड रिक्लासिफाइंग प्रमोटर्स बैज अ प्रोमोटर इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा तो आपको दिख क्या तुरंत दिख जाता है मैं वही कह रहा हूं कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है हमें इन तरह के क्वेश्चन के लिए तो आपको दिख रहा है कि भाई टेल और हेड को जैसे ही आप मिलाओगे तो किस तरह से रीक्लासिफाई कर रहा है एस पब्लिक शेयर होल्डर्स तो ए के साथ ही सिर्फ एक ऑप्शन में आप इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अब एग्जाम में वही बात की बाकी को मिलाने का अगर टाइम नहीं है और आपको यह समझ आ गया कि यार ए के टेल के साथ डी और एफ का हेड कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा तो ए होगा इस पर कॉन्फिडेंट हो आप और अगर आप लकी हुए जैसे इस क्वेश्चन में है तो ए सिर्फ एक ऑप्शन में है तो बाकी कहीं अगर मान लो दो जगह पे यही लिखा होता तो शायद दोनों को आपको तोलना पड़ता लेकिन अब जब एक में ही है तो आप कम से कम समय में इनको सॉल्व करके निकल सकते हैं तो सपोज जैसे अगर आप अभी तक ये एस एस, एस रहे हैं और पहली बार आप आई क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं तो जो कुछ तरह के नए क्वेश्चन टाइप हैं अगर उनको आप पहले से देखे होते हो तो आपने डेफिनेटली मॉक्स भी लगाए होंगे बट हम भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कई बार स्टूडेंट ऐसे ट्रायल के लिए चले जाते हैं देखता हूँ ये भी पेपर देख के तो देखने में कई बार बैंक वाले क्वेश्चंस लगते हैं यार बड़े मुश्किल हैं बट मुश्किल होते नहीं होते बड़े आसान है इट्स ऑल अबाउट अप्रोच कि आप उनको किस तरीके से टैकल करते हैं ठीक है तो ये एक क्वेश्चन होमवर्क दे दू पैराजल वाला देखो पै... अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्यों क्यों मैंने कहा कि अगर वो आपको थोड़ी सी सहूलियत देते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन आपको पढ़ के इनका ऑर्डर बनाना पड़ता है ठीक है पहले थोड़ा उसमें समय लगेगा अब जैसे इधर भी देखो तो आपको पता है है कि कि एलिमिनेशन करना सबसे पहले जरूरी है कि कौन सा ओपनिंग नहीं हो सकता तो आपको दिख रहा है कि यहां पर बोलसनारो लिखा हुआ है हाफ नेम है फुल नेम इनका ये है तो किसी भी हाल में सी ओपनर नहीं हो सकता यहां भी देखो हाफ नेम है यह भी ओपनर नहीं है यह भी ओपनर नहीं है राइट डी ब्राजील एंड इंडिया हैव इन कॉमन एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैटराइज बाई मेसी टैक्स लॉज तो क्या सिर्फ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है क्या क्या सिर्फ इंडिया के बारे में बात हो रही है नहीं आपको दिख रहा है कि वहां के ब्राजील के प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा ज्यादा है तीन चार लाइनों में उनका जिक्र है तीन चार लाइनों में इवन यहां पर भी आप देखिए यहां भी देखिए तो ओपनिंग स्टेटमेंट डी नहीं हो सकता बिकॉज अगर हम जनरल सेंस में ब्राजील और इंडिया की बात कर रहे होते उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते तब ये ओपनिंग होता ये बीच का पार्ट है तो पूरा नाम उनका ए में लिखा हुआ है तो यह ए पहला हो गया कि ब्राजील प्रेसिडेंट जेर बोलसनारो कैप्डिड बाई अ लार्ज बिजनेस डेलीगेशन अब उनका पूरा नाम यूज हो गया तो फिर यहां पे आ गया हाफ नेम राइट उसके बाद क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं लार्ज बिजनेस डेलीगेशन की तो यहां पे इकोनॉमिक रिवाइवल वाला जो सेंटेंस है आपके पास वो अगला आ जाएगा कि दिस इज इन सिंक विद हिज मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट इकोनॉमिक रिवाइवल राइट right? तो ए सी एफ पे आप पहुंच गए उसके बाद आप किधर जाओगे द मैनर इन विच सोशल कंजर्वेटिव ये आपके पास बी है और डी है तो अब यहाँ डी की गुंजाइश है क्योंकि यहाँ पे पूरा घटनाक्रम बता दिया गया कि भाई ऑफिशियल विजिट पे आए चीफ गेस्ट बने वो राइट right? उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन आया था उनकी अचीवमेंट इकोनॉमिक रिवाइवल है अब उसके बाद डी आ गया ब्राजील और इंडिया दोनों ब्राजील एंड इंडिया हैव इन कॉमन एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर करेक्टराइज बाय मेसी टैक्स लॉज गवर्नमेंट ओवर स्पैंड एंड अ लार्ज स्लगिस ब्यूरोक्रेसी लार्ज स्लगिस ब्यूरोक्रेसी सो ए सी एफ डी उसके बाद बचा क्या बी द मैनर इन विच बोल्स न सोशल कंजर्वेटिव हैज हैंडल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होल्ड अ लेसन फॉर अस राइट ये आ गया बी ए सी एफ डी बी और लास्ट में आपके पास ई e, राइट एज एन एथनिक नेशनलिस्टर बोल may appear तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इसमें ध्यान क्या रखना होता है देखो थोड़ा जो घनचक्कर वाला पोर्शन है अब आपके पास जो रफ शीट वहां पे होगी उस पर आप ऑर्डर तो बना लोगे बट ध्यान इसमें गड़बड़ होता है पेपर के प्रेशर में अब ए में ए बी में सी लिखा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे गड़बड़ कर जाए बी सी सी बी यानी अगर आपको लग रहा है कि बी जो है वो सेकेंड सेंट हमने ऑर्डर तो खैर बना ही लिया अब यहां पे पूछा क्या है इन्होंने सेकेंड सेंटेंस ना सेकेंड सेंटेंस क्या है सी है आपको दिख रहा है सेकेंड सेंटेंस हमारे ऑर्डर में सी है और सी लिखा किस में है बी में लिखा है तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है वो घनचक्कर करने के लिए अगर मान लो ए बी सी डी ई में ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एबीसीडी इसी ऑर्डर में लिखा हो तो आपके लिए लोकेट करना आसान होता है लेकिन पेपर के प्रेशर में थोड़ा सा होश हमें बरकरार रखना पड़ता है तो ये ध्यान रखेंगे आप राइट सो आ, उसके बाद अब देखो ऐसा भी नहीं कि पहले क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है पहले में सेकेंड पूछ लिया दूसरे में थर्ड पूछ लिया थर्ड हमने ऑलरेडी निकाल रखा है एफ एफ किस में लिखा है भाई एफ लिखा है ई e में तो ये आ गया यहां पे तो इस बात का ध्यान आपको रखना है खैर वो तो आप कर ही लोगे ऑर्डर बनाना मेन काम है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच गाइस ये था हमारा पहला मॉक टेस्ट और उम्मीद करता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी जैसे मैंने पहले भी कहा फिर से उसी बात को रिपीट करता हूं देर इज़ नो बर्डन कि हमें तीस में तीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबसे पहला काम ये करना है देखो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं मैं स्टूडेंट पर्स्पेक्टिव से ही हमेशा बात करने में यकीन रखता हूँ कोई आइडियलिज्म की बात नहीं होती इधर तो अगर एक बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है पहला एग्ज़ाम देने जा रहा है राइट तो कई बार प्रेशर में आ जाता है कि यार बीस मिनट तो है और हर एक क्वेश्चन को इज्जत दिए जा रहा है इज्जत दिए जा रहा है अरे पहला जो एक मिनट है डेढ़ मिनट है दो मिनट है ना वो इन्वेस्टमेंट बाकी के अठारह मिनट आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है नहीं तो आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा और इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं स्कूल कॉलेज के दिनों में भी कि कई बार जब पेपर का समय खत्म हो रहा होता है लास्ट के दो मिनट बचे होते हैं तो हमें नजर आ रहा होता है वो दस नंबर का क्वेश्चन जो हम शायद थोड़ी और पहले करते तो वो पूरा का पूरा कर लेते और तब कह रहे थे इन विजिलेटर से कह रहे सर बस थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो बस थोड़ा सा एक मिनट एक मिनट वो एग्जाम के अंदर भी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप में से कॉमेंट करके कॉमेंट में बताइएगा कितने लोगों ने ये फेस किया है सेवेंटी टू एटी परसेंट पेपर टेकर्स शुरुआती दिनों में डेफिनेटली जिन्होंने कई पेपर लिखा है मॉक्स लिखा है उनको प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्योंकि इसीलिए मन में ये होता है कि यार पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर होगा अरे करियर वेल से बहुत बार पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बच्चे एसबीआई पी बने आईबीपीएस पी बने हमारे स्टूडेंट्स की पूरी श्रृंखला है इक्कीस बाईस साल के बच्चे बच्चियां जो हैं वो सीधा पी बनते हैं पॉइंट ये कि जो पेपर डिमांड कर रहा है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो नहीं करोगे तो आप कितने बड़े भी डिग्री धारक हो पेपर नहीं क्लियर होगा और अगर आपको अप्रोच पता है क्योंकि पेपर सिंपल ग्रेजुएशन को ही डिमांड करता है ना वही बेसिक रहता है लेकिन चाहे वो आपका इंग्लिश का सेक्शन है मैथ्स का है रीजनिंग का है जो डिमांड पेपर कर रहा है जिस तरह की स्किल्स आपके लिए को चाहिए वो क्रैक करने के लिए अगर वो हैं आपको पता है क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है देख के घबराना नहीं कितनी अंग्रेजी लिखी हुई है इतना बड़ा बड़ा डायरेक्शन लिखा है इससे बिल्कुल घबराना नहीं होता पेपर बहुत है क्या आपको नहीं लगता कि इस बीस के अंदर, इस पेपर के अंदर हम प्यार से बीस नंबर आप आपकी प्रैक्टिस दस पंद्रह मॉक आपने लगाए हो अच्छे से तैयारी करी हो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता नंबर को ऊपर लेके जाना राइट मैं, मतलब पंद्रह से बीस एक एवरेज बच्चा भी जो कंसिस्टेंट है अपनी तैयारी में वो लेके आ सकता है जो थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट है उसके लिए ट्वेंटी फाइव भी टच करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता सो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच दैट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कल मिलते हैं इसी समय सात बजे एक दूसरे मॉक टेस्ट के साथ ठीक है थैंक यू थैंक यू एवरी कुछ भी नया सीखा हो अप्रोच सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिएगा